दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जहां पनाह सिटी फॉरेस्ट में एक विशाल पौधारोपण अभियान का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस अभियान में 16 निजी स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया है। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ग्रेटर कैलाश और उसके आसपास के स्कूलों से कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र यहाँ जहाँ पनाह एनक्लेव में पेड़ लगाने आए हैं। यह अनुभव हमेशा इनके साथ रहेगा और ये पेड़ों के महत्व को समझेंगे। खासकर दिल्ली में जहां तापमान 52 डिग्री तक पहुंच गया है, वहां पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। ये हमारे ग्रेटर कैलाश में आसपास के जो स्कूल्स हैं उसके बच्चे आए हैं और 6th से लेकर 12th तक के अलग अलग स्टूडेंट्स हैं और ये सब लोग जहाँ पना फॉरेस्ट में अंदर वॉक करके आए हैं बीच तक और ये सब लोग अपने अपने हाथों से ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये इनके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा और ये इस बात की इम्पोर्टेंस समझेंगे कि पेड़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर दिल्ली में जहाँ पर गर्मी अब 52 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच गई है। वहाँ पे अगर आपको दिल्ली के वेदर को प्रोटेक्ट करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो एक ही रास्ता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी फैलाएं।